आप सब ने लॉगिन तो कर लिया है, लेकिन हमें अब इसके इसको चलाना जानना है। कुछ आप में से कुछ लोगों को आता है बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, सर आप बाइनरी करती हैं, लेकिन वो मैटर नहीं है, बिड लगा देनी। अब पता होना चाहिए उससे पहले कि बिड लगानी क्या है या बिड लगानी कितनी है, बाय करना है तो कितना करना है, सेल करना क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों को नहीं पता होता, इस वजह से हम लोग नुकसान करते हैं। अगर इसी तरह ये सॉफ्टवेयर तो चलाना आ गया, लेकिन ये भी तो जानना है ना कि भाई इस सॉफ्टवेयर की मदद से पैसे कैसे कमाने हैं, बाय करना है कब करना है, सेल करना है कब करना है। तो ये अब हम आज से ये सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज और कल हम इस सॉफ्टवेयर को चलाना जानेंगे कि ये मेटाक्विट जो मेटाट्रेडर 4 के नाम से सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है इनको हम डिटेल से जानेंगे। कुछ आज बेसिक और कुछ कल एडवांस, एक टेक्निकल एनालिसिस करने में ये सॉफ्टवेयर हमारी कैसे हेल्प करेगा। अगर फंडामेंटल को देख रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारी कैसे हेल्प करेगा, और ये सॉफ्टवेयर कभी भी फ्री में किसी को भी नहीं मिलता। हमने एक्सनेस की तरफ से लिया है, एक्सनेस की तरफ से हमें ये फ्री में स्पॉन्सर्ड हुआ है, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसमें हर चीज अवेलेबल है। न्यूज देखने से लेके फंडामेंटल सिग्नल हर चीज ए टू जेड टेक्निकल हर चीज मौजूद है। लेकिन आपने इसको मार्केट वाइज में सारे पेयर आ रहे होते हैं, आप लोग देखो आप लोगों के पास कुछ कम पेयर आ रहे होंगे, किसी के पास ज्यादा पेयर आ रहे होंगे, जिस तरह मेरे पास बहुत ज्यादा पेयर आ रहे हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो आपका बटन होगा, शो ऑल करेंगे तो सारे पेयर सारे सिंबल्स आपके पास नेविगेटर, नेविगेटर में बेसिकली आपके अकाउंट्स होते हैं। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आपके अकाउंट्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जो कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हम इसमें बाद में आपको बताएंगे स्क्रिप्ट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, और वो इसमें ऐड करते हैं। तो नीचे हमारा बैलेंस शो हो रहा है, इक्विटी या फ्री, यहाँ पे आप देखें सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे अकाउंट का रिजल्ट शो हो रहा होगा, लाइक हमारे अकाउंट की हिस्ट्री। अभी मैं बात कर रहा था फंडामेंटल की लिए भी आपको किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें न्यूज के ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद अलर्ट को आप सेट करना चाहते हैं तो अलर्ट भी आएंगे, अलर्ट सेट करना मैं आपको, ये मेल क्यों देखना जरूरी है। अक्सर जो है हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा प्रकाश भाई कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं मार्जिन चेंज हो रहा होता है, या फिर आपको पर लैक पे ज़रा चार्ज किया जा रहा होता है, कभी कम चार्ज किया जा रहा होता है, स्प्रेड इसको कहते हैं। स्प्रेड वो कास्ट जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है पर स्टैंडर्ड लॉट पे। तो ब्रोकर जब भी उसमें कोई कमी करेगा या इजाफा करेगा, ब्रोकर आपको पहले मेल करेगा एडवांस में, और मार्केट में अगर कोई भी बुरी खबर आने की पहले से ही पेशगी बला वो आपको मेल के थ्रू देगा कि यार आज न्यूज बहुत हैवी आने वाली है, आपने ट्रेडिंग संभाल के करनी है, या आज मार्केट की ये कंडीशन रहने वाली है, आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेल बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना अगर MT4 में कोई और लॉग इन है ऑलरेडी, उसका पासवर्ड कैसे निकाल रहे हैं। तो सिंपली आपने कैसे जाना है, मेल बॉक्स में जाना है, जो नए अकाउंट की रजिस्ट्रेशन की आपको मेल आई होगी उसको आप ओपन करेंगे तो ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो मार्केट में हम कुछ सेटिंग है वो हम करते हैं इनके पोर्टल पे जाके कि मुझे फलां मार्केट की अपडेट आया करे, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फेवरेट्स डाउनलोड आपके पास हैं, डाउनलोड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी MQL5 की तरफ से आपको कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं, उनके बारे में मैं इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करूँगा आपको। आपने कहीं से सिग्नल की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, लाइक आप मेरे से ले लेते हैं, MQL5 से किसी से बाय कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे सिग्नल शो हुआ करेंगे, यहाँ पे कोई अलर्ट सेट किए हुए हैं तो वो यहाँ पे आएंगे।